ठीक है एल्सा, आप मुझे बता रही हैं, एंड्रेस करिए। यस सर। बर्ड्स में रिस्पायरेशन कैसे होगी ये बताइए। सर बर्ड्स में रेस्पायरेशन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एयर से होगी, मीन्स सबसे पहले एयर जो है पोस्टीरियर एयर सैक में जाएगी, उसके बाद पोस्टीरियर एयर सैक से लंग्स में जाएगी, लंग्स में पहले ब्रोंकाई मौजूद होंगे जो मैक्सिमम एयर एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद एंटीरियर एयर सैक और फिर एंटीरियर एयर सैक के बाद बॉडी से बाहर चली जाएगी। कितने परसेंट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है 21% में से? 16% एब्जॉर्ब होती है। शाबाश। अच्छा ये बताइए कि अल्वोलाई होते हैं बर्ड्स में? नो सर, उसकी जगह पैरा ब्रोंकाई मौजूद होंगे। ठीक है, पैरा ब्रोंकाई और एयर के दरमियान जो फ्लो होता है उसके लिए एक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था, उसको क्या कहते हैं? काउंटर करंट फ्लो। शाबाश। चले इसके अलावा मुझे बताएं कि ट्यूबरकुलोसिस जो है एक बैक्टीरियम कॉज करता है, उसका नाम बोलिए। माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है चले इसके अलावा आपके पास, मैंने सिर्फ आपको रिस्पायरेशन इन बर्ड्स बताई है ना अभी तक, यस सर। उसके अलावा अर्थवर्म वगैरह तो अभी नहीं बताई ना? नो सर। ठीक है चलें आगे बढ़ते, कोई सवाल है जहन में बेटा आपके? नो सर। ठीक है थैंक यू। इसके बाद आइए बेटा, आपसे बात करने जा रहा हूं, नेक्स्ट टू इट इज रिस्पायरेशन जो मैं आपको उसके वेरी नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, वो आपको बताने जा रहा हूँ रिस्पायरेशन इन इंसेक्ट्स, कि इंसेक्ट्स में रिस्पायरेशन जो है वो कैसे हो। ठीक है, इंसेक्ट्स में जो रिस्पायरेशन होगी वो कैसे हो। इंसेक्ट्स के बारे में सुन लीजिए कि इंसेक्ट्स की बॉडी में आपको 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स मिलेंगे। टू पेयर्स थोरेक्स रीजन में और 8 पेयर्स पीछे एब्डोमेन में। मैंने आपसे कहा 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स आपको मिले। ठीक है, टू पेयर्स थोरेक्स के रीजन में और 8 पेयर्स मौजूद होंगे कहां पे? 8 पेयर्स मौजूद होंगे एब्डोमिन के अंदर। ये इंसेक्ट की बॉडी का एक तरफ है, दूसरी तरफ भी इतना ही हो। ठीक है, टोटल पूरे आपके पास 10 पेयर्स। अब बेटा ये जो स्पाइरिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, ये जो स्पाइरिकल्स मौजूद हैं, ये स्पाइरिकल्स लीड करते हैं इसको, ये स्पाइरिकल्स लीड करते हैं बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स को। ठीक है, ये कहलाती हैं ट्यूब्स ट्रैकी। ठीक है, ये ट्यूब्स कहलाती हैं ट्रैकी और ये बॉडी के मसल्स मौजूद, ये बॉडी के मसल्स मौजूद हैं। दीज आर बॉडी मसल्स। ठीक है, ये आपके पास बॉडी के, इंसेक्ट की बॉडी के मसल हैं। अब होगा क्या, बाहर से जो एयर है वो
स्पाइरिकल्स के जरिए ट्रैकी के अंदर दाखिल हो, ठीक है, दिस इज ट्रैकी, ट्रैकिया सिंगुलर है, ट्रैकी प्लोरल। इन ट्रैकी की खास बात यह है कि इसके ऊपर यूं पैरेलल लाइनें पड़ी हुई होती है, लेकिन इस तरह से इसके ऊपर पैरेलल लाइनें पड़ी हुई होती है, और इस ट्रैकी के अंदर होता क्या है, इसके अंदर होता है ट्रैक्यूलर फ्लूइड, ग्रीन से बना रहा हूं इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर जो है ये मौजूद होता है ट्रैक्यूलर फ्लूइड। इनसाइड इट देयर इज ट्रैक्यूलर फ्लूइड। अब होगा क्या कि बाहर से एयर स्पाइरिकल्स के अंदर दाखिल हुई, तो अब वो जो ऑक्सीजन आपको नजर आ रही है, जो एयर में ऑक्सीजन होगी वो ट्रैक्यूलर फ्लूइड में मौजूद ऑक्सीजन बाइंडिंग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद ये ट्रैक्यूलर फ्लूइड जो है ये पूरी बॉडी के अंदर जो ट्रैकिया मौजूद है उसके अंदर मूव करेगा, और फाइनली कहाँ मिल जाएगा, फाइनली पहुंच जाएगा आपके पास ये जो बॉडी के मसल्स हैं, ठीक है, बॉडी की जो मसल्स हैं उस तक पहुंच जाए। जब बॉडी के मसल्स तक ये ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, मसल्स क्या करेंगे, मसल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। तो कहते हैं कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जिस रास्ते से ऑक्सीजन आई है उसी से वापस जाती है, ठीक है, यानी कि जिस रास्ते से आई है उस रास्ते से थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाएगी, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ये जो मैं एरो बना रहा हूं, ठीक है, ये जगह कहलाती है हीमोलिम्फ। यहां मौजूद होगा क्या, यहां मौजूद होगा हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ। तो ये जो हीमोलिम्फ है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इस हीमोलिम्फ में डाल दी जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोलिम्फ में डाल दी जाएगी तो इससे क्या होगा आपके पास, इससे होगा ये कि कार्बन डाइऑक्साइड इस हीमोलिम्फ के जरिए बॉडी के और दूसरे रास्तों के जरिए एक्सक्रीटरी वेस्ट के जरिए बॉडी से बाहर चली जाएगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ द रिस्पायरेशन अकर्स इन इंसेक्ट्स। अच्छा, एक चीज और है कि ये जो इसकी ट्रैकी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको ट्रैकी ट्यूब्स नजर आ रही है ये दरअसल अंदर से लाइंड होते हैं, किससे, येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये अंदर से लाइंड होते हैं, किससे, ये अंदर से लाइंड होते हैं वैक्सीलियर्स, ये अंदर से लाइंड होते हैं वैक्सीलियर्स। ये वैक्सीलियर जो है वो प्रिवेंट करती है, क्या प्रिवेंट करती है, कहीं इसमें से ऑक्सीजन जो इधर उधर ना चले, ठीक है, चले। दैट्स हाउ द रिस्पायरेशन अकर्स इन व्हाट, दैट्स हाउ द रिस्पायरेशन अकर्स इन इंसेक्ट। आपने नाम सुना होगा कि मुख्तलिफ इंसेक्ट्स को मारने के लिए मुख्तलिफ दवाइयां छिड़की जाती हैं, तो बहुत सारी दवाइयां तो यही करती हैं कि वो स्पायरिकल्स के अंदर जो ट्रैक्यूलर फ्लूइड है वो वहां पे जाके ऑक्सीजन की कंबाइनिंग बाइंडिंग पावर को रोक देती हैं, जब इंसेक्ट सांस ही नहीं लेगा तो मर जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है, इंसेक्ट जो है वो सांस ही नहीं लेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो मर जाएगा, ठीक है। चलें, दिस इज रिस्पायरेशन इन व्हाट, दिस इज रिस्पायरेशन इन इंसेक्ट। इस तरह से आपके पास रिस्पायरेशन इंसेक्ट्स में होती, कर लें नोट, कर लें इसको।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बोलिए सर। मुझे क्वेश्चन था, लंग कैंसर और ट्यूमर में क्या फर्क होता है? कैंसर और ट्यूमर एक ही होता है, दोनों में फर्क नहीं। ओके सर। मैंने आपसे जब कल लंग कैंसर की बात की है, लंग के भी कई कैंसर हैं। उसको बकायदा डायग्नोस करना होता है कि कौन सा कैंसर है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, एडिनो कार्सिनोमा है। कैंसर्स की भी टाइप्स होती हैं, किसी एक जगह पे कैंसर हो तो उसकी भी टाइप्स होती है। उससे पता चलता है कि वो कैंसर किस तरह से ट्रीट किया जाएगा और आइदर की ट्रीटेबल है भी कि नहीं, और कैंसर और ट्यूमर में कोई फर्क नहीं। ठीक है। जी बेटा बोलो। ऑन अली, ऑन अली बेटा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। जी आयशा शकील। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप हीमोलिम वाली बात वापस से समझा देंगे? अच्छा ठीक है, आपने अभी असल में ना वो आपने अभी चैप्टर ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ा तो मुझे इस चीज का ख्याल नहीं रहा। अभी माइक ऑन रखिएगा। अच्छा आपको एक बात पता है कि कॉकरोच सीलोमेट है? जी। आप अभी फाइलम पढ़ के आ रही हैं, आपको ये तो पता है ना कि वो सीलोमेट है? जी जी। तो कॉकरोच की जो सीलोम होती है ना, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं हम हीमोलिम। जिस तरह हमने अर्थवर्म के अंदर कहा था कि उसको सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं, इसका भी फ्लूइड सीलोमिक फ्लूइड तो है, लेकिन इसका एक खास नाम है, इसको कहते हैं हीमोलिम। HAEMO, हीमो LYMPH, इसको कहते हैं हम हीमोलिम्फ। ठीक है जी। तो ये हीमोलिम्फ के अंदर रिलीज हो जाती है। जो आपको कैविटी नजर आ रही है मसल्स के दाएं बाएं, तो ये इसकी बॉडी कैविटी है, सीलोम कैविटी है इसकी। इंसेक्ट्स में इसको कहते हैं हम हीमोसील, और हीमोसील में मौजूद होता है हीमोलिम्फ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यही बात सीख लेती हैं तो आपको आगे जाके इंशाल्लाह आसानी होगी, समझने में मसला नहीं होगा आपको। ट्रांसपोर्ट में इंशाल्लाह ऑलरेडी जाके हमने इसको पढ़ना ही है। चलें, रिस्पायरेशन एंड इंसेक्ट्स के बारे में बेटा बात हो गई है, अब इसके वेरी नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपसे बात करने जा रहा हूं रिस्पायरेशन इन अर्थवर्म के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। ठीक है, कि अर्थवर्म में जो है वो रिस्पायरेशन कैसे होती है। अर्थवर्म का जो फाइलम है एनेलिडा है, क्लास ओलिगोचीटा है। आप पीछे फाइलम पढ़कर आ रहे हैं, वहां पे मैंने आपको उसके अंदर रिस्पायरेशन कैसे होती है आपको बताई थी। यहाँ पे बस मैं इसको बस रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। देखें ये अर्थवर्म है, जो काला कलर कर रहा हूँ आपको पता है अर्थवर्म की पहचान ही है ये कि ये क्लाइटिलम मौजूद होता है। रिस्पायरेशन से इस क्लाइटिलम का कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो चीज रिस्पायरेशन में इसको मदद देती है वो है इसकी स्किन। ठीक है, जो भी चीज इसकी रिस्पायरेशन में इसको मदद देती है वो क्या है, वो है इसकी स्किन। अब इसकी स्किन के जो सेल्स हैं, ये देखिए मैं स्किन के सेल्स बना रहा हूं, ये मैंने इसकी स्किन के सेल्स बनाए अर्थवर्म की। ठीक है, इसकी स्किन के सेल्स। अच्छा, अर्थवर्म की खास बात यह है कि इसके अंदर क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स मौजूद होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम दरअसल इसके अंदर मौजूद होता है। फाइलम में मैंने आपको ये बात बताई थी। ये देखिए, ये इसकी ब्लड कैपिलरीज जो इसकी स्किन के सेल्स तक मौजूद है।
ठीक है, जो डॉट डॉट मैंने बनाए थे वो सेल का न्यूक्लियस है और ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं जो हर सेल तक जा रही। मैंने यहाँ पे कुछ दरमियान में गैप्स बनाए, इसको ग्रीन कलर कर रहा हूँ। ये गॉबलेट सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, ये म्यूकस रिलीज करते हैं और ये म्यूकस कहाँ आता है, ये इसकी स्किन की सरफेस के ऊपर आ जाता है। यहाँ मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, ये स्किन के ऊपर आ जाता है। जब स्किन के ऊपर आ जाता है, स्किन के ऊपर आने के बाद क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है वो इस म्यूकस के अंदर क्या होता है, वो इस म्यूकस के अंदर जो है वो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। बेटा गौर से सुनिएगा, फिर ये म्यूकस सेल्स में दाखिल हो जाता है। ये देखिए, ये सेल्स में दाखिल हो जाता है। जब सेल्स में दाखिल हो जाता है तो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन भी आ जाती है। अब वो जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज जो है उसके अंदर चली जाती है। ठीक, वो ऑक्सीजन जो है वो इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाती है और पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। जब चैप्टर 14 पढ़ेंगे तो एक इजाफी बात बता रहा हूं ताकि पिछली बात से कुछ बात में नया सीख लें। अर्थवर्म के अंदर 4 ट्यूबुलर हार्ट्स होते हैं। ये 4 ट्यूबुलर हार्ट जो है, ये दरअसल पूरे इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। 4 ट्यूबुलर हार्ट्स, 1, 2, 3 और ये 4, ये हार्ट पंपिंग कर रहे होते हैं, ब्लड पंप कर रहे होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में चली जाएगी, यानी कि ब्लड पंपिंग के जरिए। अच्छा, अब जरूरत इस बात की है कि बताया जाए कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी ब्लड कैपिलरीज मौजूद है उसके अंदर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रास्ते से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रास्ते से बॉडी की स्किन के सरफेस पे आएगी और बाहर चली जाएगी। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इसके सीलोमिक फ्लूइड के अंदर डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इसके सीलोमिक फ्लूइड जो है उसके अंदर जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से इसके अंदर जो है वो अर्थवर्म में रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी ऑर्गन स्किन है। ठीक है, और याद रखिए, इंसानों के लिए एक बड़ी बात पे डिस्प्यूट है। किताबें लिखती हैं कि भाई हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। कुछ किताबें कहती हैं लिवर है, कुछ किताबें कहती हैं स्किन। स्किन इज कंसीडर्ड एज एन ऑर्गन। ठीक है, अब अर्थवर्म की भी जो स्किन है, This is also considered as an organ, ठीक है? जब हम इसको organ बेटा consider कर रहे हैं, तो this is helping in the method of respiration, ठीक है? Respiration में help कर रही है। आपको पीछे भी सुनने को मिला है कि capillaries जो होती हैं, यहाँ जो आपको बारीक बारीक नजर आ रही है red से, all these are what? All these are blood capillaries. और earthworm की तो खास बात ये है कि इसके अंदर hemoglobin भी होता है इसके blood, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को जोड़ के पूरी बॉडी में लेके जाएगा। यहाँ पे इतनी डिटेल है नहीं आपके कोर्स में, ठीक है, ये एडिशनल बता रहा हूँ आपको, जो भी अर्थवर्म के बारे में अवेयरनेस है। कैपिलरीज हैं, इसमें ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, तो ऑक्सीजन को जोड़ के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, चले कर लें, नोट कर लें इसको।
सबसे कह रहा हूँ अपने पास डेली आप रजिस्टर रखें कि आपको जो मैं बना के दे रहा हूँ, जिस तरह आपने क्लास में रूटीन, कैंपस ऑन कैंपस क्लास में आपने रूटीन बनाया हुआ था कि आप लेक्चर कॉपी करते थे, लेक्चर कॉपी करने की आदत डालिए। ये अगर आदत छूट जाएगी तो ये दोबारा डिवेलप होना मुश्किल है। और लेक्चर नोट करें अपने हाथ से, ठीक है? आप जहां भी बैठे हुए, डेस्कटॉप पे बैठे हुए, लैपटॉप पे बैठे हुए, ठीक है, तो जहां पर भी आप बैठे हुए आपने जो है वो उसको सही से करना। चले एक बार फिर से रिपीट कर दूं, देखें स्किन के सेल्स हैं, स्किन के सेल्स में गॉबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं, म्यूकस सरफेस पे आता है, बाहर की एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, म्यूकस फिर सेल के अंदर चला जाता है, इस तरह सेल्स को ऑक्सीजन मिल गई और फिर फाइनली क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली गई, ब्लड कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसी रास्ते से बाहर आएगी, स्किन के ऊपर आएगी, स्किन से बाहर चली जाएगी। फोर ट्यूबुलर हार्ट्स मौजूद है जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप कर रहे हैं और सर्कुलेशन को जारी रखे हुए। ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद है, ऑक्सीजन जो भी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर ये ट्रांसपोर्ट होगी। चले इसके बाद आइए नेक्स्ट टू इट इज, आपसे बात करने जा रहा हूं रिस्पायरेशन इन रिस्पायरेशन इन फ्रॉग के बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है? फ्रॉग के अंदर रिस्पायरेशन जो है वो कैसे होती है? देखिए फ्रॉग के अंदर बेटा गौर से सुन ले कि तीन तरह की रिस्पायरेशन होती है, बात हर बच्चा जो है वो नाइक में पढ़कर आ रहे। कुटेनियस रिस्पायरेशन होती है जो कि स्किन के जरिए होती है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन है जो कि लंग्स के जरिए होती है, और इसके अलावा इसमें बक्कल रिस्पायरेशन होती है जो कि बक्कल कैविटी के जरिए होती है। आपने यहां पे क्या पढ़ना है, आपने वो रिस्पायरेशन जो लंग्स के जरिए होती है वो आपने पढ़नी, ठीक है? यानी कि आपने जो इसका पल्मोनरी रिस्पायरेशन वाला पार्ट जो है वो आपने समझना है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अच्छा सबसे पहले मैं आपको फ्रॉग के लंग्स के बारे में थोड़ी अवेयरनेस दे दूं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल में भी काम आएगी। फ्रॉग के जो लंग्स हैं उनकी क्या खास बात है, ये जो सुराख मैं बना रहा हूं ये सुराख जो है सुराख जो आपको नजर आ रहे दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ग्लॉटिस। सुराख को हम क्या नाम देते हैं, सुराख को हम नाम देते हैं ग्लॉटिस का। आपने नाइट में जितनी भी पढ़ी है रिस्पायरेशन फ्रॉग के अंदर, उधर अपने जहन में आप रिकॉल कर लें कि आपने क्या रिस्पायरेशन पढ़ी। ये देखिए ये ग्लॉटिस मौजूद है और ये जो जगह आपको नजर आ रही दिस इज कॉल्ड लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर।
ठीक है, ये कहलाती है लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर, ठीक है, ये लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर कहलाता है। ये एक लंग है, ये दूसरा लंग है। आपको इसके अंदर फ्रॉग के लंग्स के अंदर आपको एल्वियोलाई मिलेंगे, ठीक है, ये धब्बे धब्बे से आपको मिलेंगे इसके अंदर, ये आपको इसके अंदर मिलेंगे एल्वियोलाई, ठीक है। तो ग्लॉटिस की ओपनिंग मौजूद है, लैरिंगोट्रैकियल चैम्बर मौजूद है। ये जगह जो आपको नजर आ रही है, इसमें अब एरो डाल रहा हूं, ये दोनों एरोस किसके लिए हैं, ये इसके ब्रोंकाए, जो सिर्फ मसल्स के बने होते हैं, कार्टिलेज के बने हुए नहीं होते, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ मसल्स के बने हुए होते हैं और कार्टिलेज के बने हुए नहीं होते। अच्छा, अगर मैं आपसे फ्रॉग के बारे में बात करूं, तो देखें फ्रॉग के अंदर ये बाहर ओपनिंग्स मिलेंगी आपको, ठीक है, ये ओपनिंग्स कहलाती हैं नेयर्स, दीज ओपनिंग्स आर टर्म्ड एज नेयर्स। ये जो नेयर्स की ओपनिंग्स मौजूद हैं, इनसे हवा जो है वो अंदर दाखिल होती, ठीक है, और ये इसके लंग्स देखें ऐसे मौजूद होते हैं इस तरह से, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बाहर की ओपनिंग इसके अंदर कहलाती है एक्सटर्नल नेयर्स, और अंदर की जो ओपनिंग होती हैं वो कहलाती हैं इंटरनल नेयर्स, ठीक है, एक्सटर्नल नेयर्स मौजूद हैं, इंटरनल नेयर्स मौजूद हैं। एक्सटर्नल नेयर्स यानी ये फ्रॉक को आप फेस टू फेस देख रहे हैं, तो एक्सटर्नल नेयर्स नजर आ रहे हैं, फ्रॉक की बक्कल कैविटी आप अगर खोलेंगे, ठीक है, फ्रॉक की बक्कल कैविटी अंदर से देखेंगे तो आपको अंदर वाली ओपनिंग नजर आएंगी, वो अंदर वाली ओपनिंग जो है वो कहलाती है इंटरनल लेयर्स, ठीक है, तो हवा जो है एक्सटर्नल लेयर्स इंटरनल लेयर्स पे, उससे क्या होगा वो बक्कल कैविटी के अंदर दाखिल हो। अब गौरतलब बात ये है कि कान खोल के सुन लें कि फ्रॉग में होती है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, ये मैंने आपको पीछे भी लफ्ज बताया हुआ है कि फ्रॉग के अंदर बेटा आपको क्या मिलेगी, फ्रॉग के अंदर जो है वो आपको मिलेगी पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, ठीक है, इनसाइड द फ्रॉग ऑफ अ फ्रॉग हैज पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, ठीक है, फ्रॉग के अंदर आपको बेटा पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग मिलेगी। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग का मतलब क्या है, मैं फिलहाल अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, देखें पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग का मतलब यह है कि ये देखें ये आपके पास फ्रॉग है, ये इसकी बाहर जो है आपके पास ये एक्सटर्नल लेयर्स ओपनिंग्स मौजूद हैं। फ्रॉग करता क्या है, फ्रॉग करता यह है कि बाहर से जब एयर दाखिल हुई इसकी बक्कल कैविटी में, उसकी बक्कल कैविटी जो है वो नीचे की जानिब झुक जाती, जब नीचे की जानिब झुक जाती है तो ये क्या करता है, अपने नेयर्स ब्लॉक कर देता है। अब ये क्या करेगा, अब ये अपनी बक्कल कैविटी को ऊपर करेगा, एरो में बंदी बना के दिखा रहा हूं आपको कि ये अपनी बक्कल कैविटी को ऊपर करेगा, जब बक्कल कैविटी को ऊपर करेगा तो मुंह तो उसने बंद किया हुआ है, एयर बाहर तो जाएगी नहीं, तो होगा क्या कि ये जो एयर है अब कहां चली जाएगी बेटा, ये चली जाएगी लंग्स के अंदर, ठीक है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसको जो है वो अपनी बक्कल कैविटी को ऊपर लिफ्ट करना जरूरी, यानी कि वो अपनी बक्कल कैविटी का जो लोअर वाला फ्लोर है जब वो ऊपर करेगा तो इससे क्या होगा, इससे पॉजिटिव प्रेशर जो है वो जनरेट होगा। जब बेटा इससे पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा तो अब ये जो इसका ग्लॉटिस होता है, ये देखें इसका ग्लॉटिस आम हालत में क्या होता है, इसका आम हालत में जब आप फ्रॉक को डिसेक्ट करेंगे आपको ग्लॉटिस ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इंसान का जो ग्लॉटिस होता है वो बहुत, उसका सुराख बहुत बड़ा है, फ्रॉक का जो ग्लॉटिस होता है वो बहुत छोटा सा होता है,
यानी कि जब तक इसके अंदर हाई प्रेशर अप्लाई ना करें खुद फ्रॉग, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बलून, बलून का मुंह है, अगर आप उसको प्रॉपर खोल के उसके अंदर हवा नहीं भरेंगे तो हवा भरेगी नहीं, अगर वो मुंह दबा रहेगा तो हवा कैसे भरेगी। तो जब तक इसके ऊपर हाई प्रेशर ना लगे उस वक्त तक क्या होता है, उस वक्त तक आपके पास ये हवा जो है ये लंग्स में नहीं जाती, और उसके लंग्स जो है इससे पहले क्या होते हैं, कोलैप्स पड़े हुए होते हैं। आप कभी फ्रॉग को डिसेक्ट करें तो फ्रॉग के जो लंग्स हैं वो आप देखेंगे कोलैप्स पड़े हुए। जब तक ये हाई प्रेशर अप्लाई नहीं करता उस वक्त तक आपके पास इसके लंग्स में हवा नहीं भरती, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। चलें, तो दैट्स हाउ द पल्मोनरी रिस्पायरेशन मेथड। अच्छा, वापस कैसे आएगा, देखें फ्रॉग में रिब्स नहीं होती, ठीक है, फ्रॉग में रिब्स नहीं होती, इसी रास्ते से लंग से होती हुई एयर जो है वो आपके पास ब्रोंकाई में आई, ब्रोंकाई से आपके पास ग्लॉटिस में आई, ग्लॉटिस से बक्कल कैविटी के अंदर आई और बाहर चली गई, ठीक है। और याद रखिए जब भी ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है रिस्पायरेशन का, तो जिंदा फ्रॉग पहले किसी बीकर के अंदर बंद दिखाया जाता है, तो आप देखेंगे उसका बक्कल कैविटी का फ्लोर कभी नीचे हो रहा है कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है कभी ऊपर हो रहा है। अब आप बताएं फ्रॉग को पान खाने की तो आदत नहीं है ना, ठीक है, तो बक्कल कैविटी का फ्लोर नीचे हो रहा है ऊपर हो रहा है, तो वजह यह है कि वो दरअसल अपनी पॉजिटिव प्रेशर जनरेट कर। अगर इंसानों में पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती तो आप थोड़ी देर के लिए तस्वीर कर लें कि मुंह में हवा भरने के बाद अगर मुंह बंद कर दिया जाए तो हमारे जो चिक्स हैं वो कितने मोटे नजर आएंगे, और फिर हम एक प्रेशर अप्लाई करें और लंग्स की तरफ जाए, तो ये काम फ्रॉग के अंदर होता, ठीक है। तो दिस इज द पल्मोनरी रिस्पायरेशन इन फ्रॉग। तो पाथवेज मैंने आपको बताए उनको सुन लें, एक्सटर्नल लेयर से हवा कहां गई, इंटरनल लेयर में, इंटरनल लेयर से बक्कल कैविटी में आई, ठीक है। जो ग्लॉटिस जहां पे मौजूद है समझ लें आप, वो थोड़ा सा एरिया हम कहते हैं फेरिंग्स, फिर उसके बाद कहां गई, फेरिंग्स के बाद फिर गई ग्लॉटिस में, ग्लॉटिस से गई लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर में, ठीक है, लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर में गई, लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर से फिर गई ब्रोंकाई के अंदर, और ब्रोंकाई के बाद कहां चली गई, ब्रोंकाई के बाद चली गई लंग्स के अंदर, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद चली गई कहां पे, ब्रोंकाई के बाद फिर चली गई लंग्स के अंदर, ठीक है। चलिए, दिस इज द पाथवे फॉर व्हाट, दिस इज द पाथवे फॉर पल्मोनरी रिस्पायरेशन इन फ्रॉग। इससे पहली वाली स्लाइड भी बेटा आपको दिखा देता हूँ, आपने नोट नहीं की होगी, पहले मैंने आपको ये बताया, दो दो मिनट दे रहा हूँ, पहले ये नोट कर लें फिर उसके बाद अगली चीज नोट कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स बेटा डाइसेक्शन करते हैं उनके डाइसेक्शन बॉक्स में एक ब्लोअर होता है, वो ब्लोअर इस ग्लॉटिस पे लगाते हैं, जब फ्रॉग को डाइसेक्ट करते हैं ना तो वो ब्लोअर इस ग्लॉटिस पे लगाते हैं और फूंक मारते हैं, जिनके फ्रॉग के लंग्स डिफ्लेटेड होती हैं, पिचके हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं उस ब्लोअर से उसको फुलाते हैं, तो जो फुलाता है उसको पता है कि वो कितना प्रेशर अप्लाई करता है, तब कहीं जाके ये फूलते हैं, और ग्लॉटिस की ओपनिंग पे वो ब्लोअर जो है उसका एंड रखते हैं और फूंक मारते हैं, तो ये लंग्स बड़ी मुश्किल से फूलते हैं। अब आप सोचें अगर ये फ्रॉग पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा तो याद रखिए खुद ब खुद हवा कभी भी दाखिल नहीं होगी, ठीक है, खुद ब खुद हवा जो है वो कभी भी दाखिल नहीं होगी।
नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूं आपको। यखिला रहमान अनम्यूट करिए। सर बर्ड्स में टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किस परिंदे की बात कर रही हैं? हमिंग बर्ड की बात की, बर्ड टू बर्ड वेरिएशन आपको मिलेगी ना, इतनी ढेर सारी स्पीशीज हैं, इसी किताब ने मेंशन ही नहीं किया। इंसानों के लंग की कैपेसिटी आपको पता है कितनी है? कहते हैं कि उसका सरफेस एरिया इतना है कि टेनिस का जो कोर्ट होता है ना, टेनिस जो गेम है उसके लिए जो कोर्ट होता है, तकरीबन उसका सरफेस एरिया इतना है। बर्ड्स टू बर्ड्स वेरी करती है, दुनिया की सबसे छोटी बर्ड हमिंग बर्ड है, उसका सरफेस एरिया अलग है, शुतुरमुर्ग का एरिया अलग है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि दोनों का आपका जो बर्ड लंग कैपेसिटी होगी दोनों की सेम होगी? हाउ कैन इट पॉसिबल? ओके सर, कुछ और? नो सर, थैंक यू।